नमस्कार, मैं आपका दोस्त इंजीनियर प्रभात कुमार सिंह निराला कंस्ट्रक्शन यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को एक बने हुए घर में लगे हुए सामने की तरफ सुंदर सा कंपाउंड वाल का जो डिज़ाइन है उसका डिज़ाइन दिखाने वाला हूँ। किस तरीका से इसे बनाया गया उसके बारे में पूरा जानकारी आप लोग को देना चाहता हूँ, तो आप वीडियो को देखिए, बहुत कुछ आप सीख सकते हो। सबसे पहले बात कर लेते हैं इस कंपाउंड वाल का हाइट का, तो इसका हाइट को 7 फीट रखा गया है और उसके साथ साथ आप देख रहे हो कि नीचे की तरफ जो हमारा काम किया गया है वो लगभग 1.5 फीट के आसपास में ग्राउंड लेवल से ऊपर तक यहाँ पे 10 इंची का दीवार किया गया है। लेकिन जस्ट 1.5 फीट के बाद में आप देख रहे हो ये जो आप सतह देख रहे हो, ये पूरा सतह जो है वो 5 इंची की दीवार के साथ यहाँ पर बनाया गया है ताकि जो ईंट है उसकी बचत भी हो सके और आपको एक डिज़ाइन भी मिल सके। किस तरीका से इसे बनाया जाता है उसके बारे में आप जान सकते हो इस वीडियो को लास्ट तक देखते हुए। जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पे जो मैक्सिमम हाइट है कॉलम का वो 8 फीट है, उसी में ऊपर की तरफ यहाँ पे जो डिज़ाइन आप देख रहे हो ये प्रीकास्ट डिज़ाइन है, मतलब जो पहले से स्लैब का कास्टिंग करते हुए आप रख सकते हो, उसके बाद यहाँ पे लाते हुए फिक्स कर सकते हो, बाद में प्लास्टर के बाद आपको इस तरीके का बीट डिज़ाइन मिल जाएगा। बीट का जो ऊँचाई होगा वो 3 से 3.5 इंच के आसपास में आप रख सकते हो। उसके साथ साथ ये जो आप देख रहे हो, जो 3 डिज़ाइन आप देख रहे हो, ये भी प्रीकास्ट ही डिज़ाइन है। ये थोड़ा नज़दीक ले जाकर मैं आपको दिखा देता हूँ। 4 से 4.5 इंची मोटा और लगभग 1.5 फीट के आसपास में हाइट वाले ये डिज़ाइन को पहले से आप स्लेब के रूप में ढलाई करोगे, फिर जब जोराई होगा उस समय आके आप यहाँ पर फिक्स कर सकते हो और जितना चौड़ा आपका ये इसका थिकनेस होगा उतना ही जगह आपको बीच बीच में छोड़ना है ताकि एक अच्छा लुक आपको मिल सके। जैसा कि आप देख रहे हो कि तीनों के बीच में आपको कुछ जगह भी खाली नज़र आता है। नीचे वाला पार्ट की तरफ आते हैं तो आप यहाँ पे ये देख रहे हो कि इस लगभग 3 से 3.5 फीट के हाइट में ये बीट डिज़ाइन बनाया गया है और मज़े की बात यह है कि ईंट की बचत करते हुए यहाँ पे 5 इंच का दीवाल किया गया। उसके साथ साथ ये भी जो आप दीवाल देख रहे हो इसे बाहर निकाला गया है 4 से 5 इंच के आसपास आप देख सकते हो। तो जो ईंट की हमने बचत की, जो दीवार लगाया 5 इंच का, उससे जो थोड़ा बहुत ईंट की बचत हम लोग के लिए, उससे हम लोगों ने इसका पट्टी बना दिया है ताकि एक अच्छा लुक मिल सके। अभी आपका इसका अहमियत जो है वो समझ में नहीं आ रहा, जैसे ही इसके ऊपर में कलर लगेगा फिर इसका जो लुक है वो बढ़ने वाला है। तो इस तरीका से इस घर के कंपाउंड वाल को बनाया जा रहा है, आप देख सकते हो। आपका जो कंपाउंड वाल हो वो कितना भी लंबा हो, आप चाहो तो 10 से 12 फीट का एक स्पैन बना सकते हो इस तरीका से। उसके बाद उसी को कॉपी पेस्ट करते हुए जो आपका कंपाउंड वाल है उसे बना सकते हो बहुत ही आसान तरीका से, क्योंकि इसमें सिर्फ ब्रिक वर्क करना है। सामने की तरफ, ऊपर की तरफ आपको बीट डिज़ाइन देना है, कॉलम के ऊपर भी डिज़ाइन देना है, उसके साथ साथ 3 जो स्लैब है उसका भी इस्तेमाल आपको करना है दीवार में और 2 स्लैब का इस्तेमाल करना है कॉलम के ऊपर। तो इस तरीका से कॉपी पेस्ट करते हुए आप अपने कंपाउंड वाल को बना सकते हैं। इसका गेट के बारे में भी जान लीजिए। जैसे ही यहाँ पर गेट आता है तो जो कॉलम का हाइट है उसे 1 फीट के आसपास में बढ़ा लिया गया है। देख सकते हो कि उधर का जो कॉलम था 8 फीट के आसपास में था और ये जो कॉलम आप देख रहे हो ये 9 फीट के आसपास में रखा गया है। बीच में ये लोहा का गेट आप लगा हुआ देख रहे हो, जिसके दोनों तरफ जो कॉलम है उसे भी ऊपर वाला स्लैब के साथ में फिनिश किया गया है। तो देख लीजिए, ये दो कॉलम है जिसमें गेट फिक्स है और उसके साथ साथ आप देख सकते हो इस गेट का और कंपाउंड वाल का फुल लुक, जिससे आपको कुछ आइडिया ज़रूर मिल जाएगा। तो अगर आप चाहो तो इस तरीका से मिलता जुलता जो तरीका होगा उससे भी उपयोग कर सकते हो और इससे मिलता जुलता डिज़ाइन भी बना सकते हो अपने हिसाब से। इसे बदलाव करते हुए आप एक अच्छा सा कंपाउंड वाल बना सकते हो, कलर के बाद काफ़ी अच्छा लुक आपको मिल जाएगा। आपने देखा कि इसमें 5 इंची का दीवार ऊपर में करते हुए कुछ ईंट की बचत भी किया गया है। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोग का हेल्प के लिए डेली बेसिस पे घर बनाने से संबंधित वीडियो निराला कंस्ट्रक्शन पर मिल रहा है और मिलता रहेगा। बहुत जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ले दीजिए इजाज़त। नमस्कार।